रतलाम में मंदिर के सामने डीजे बजाने पर दो समुदायों के लोगों में पत्थर चल गए। घटना खारवा कला पुलिस चौकी के कोठड़ी गांव की है। रविवार रात यहां निकाह के बाद जुलूस निकाला जा रहा था। आरोप है कि जुलूस में लोग मंदिर के सामने फुहड़ गानों पर नाच रहे थे। पथराव में 4 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने 9 लोगों पर FIR की है। घायलों को ताल और आलोट के अस्पताल लाया गया। इनमें से एक को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। गांव में तनाव को देखते हुए आसपास के थानों से भी पुलिस फोर्स बुलाया गया। पुलिस के मुताबिक फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। ताल थाना पुलिस ने 7 नामजद और 2 अज्ञात पर केस किया है। ग्रामीणों ने बताया कि जाकिर मेव के बेटे की शादी पिछले साल लॉकडाउन में हुई थी। उसी की शादी का जुलूस निकाला जा रहा था। डीजे पर आपत्तिजनक गाने बजाने पर विवाद हुआ। कोठड़ी गाँव में रात में ही कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी और SP अभिषेक तिवारी मौके पर पहुंचे। कलेक्टर और SP ने दोनों पक्ष के लोगों से चर्चा की और समझाइश दी। कलेक्टर ने कहा कि गांव में अब स्थिति सामान्य है। SP ने कहा कि दोषी लोगों पर कार्यवाही की गई है।